नमस्कार, साहित्य तक्के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं नीलम मिश्र की पुस्तक परदेसी के साथ उपस्थित हूँ। यह एक कथापरक उपन्यास है जिसमें लेखिका ने, जो किसी समय में अरुणाचल प्रदेश की प्रथम महिला रह चुकी हैं, उन्होंने अपने बाबा पंडित भगवान दीन दुबे से जुड़े संस्मरणों को और अपने बचपन को समेटने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि इस पुस्तक को उन्होंने समर्पण भी अपने बाबा और दादी को किया है, पंडित भगवान दीन दुबे और दादी श्रीमती दिलराजी को किया है। उन्होंने कोरोना काल में जो आपदा थी, वहाँ जो घर से दूर जो लोग परदेश में रोजी रोटी कमाने के लिए गए, उनकी त्रासदी देखने के बाद उनका हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने बचपन में जो बातें सुनी थी अपने बाबा से और अपने पिता से, पूर्वजों से, कि किस तरह से उस दौर में भी गांव घर समाज में विषम परिस्थितियों के दौरान परिवारों का पलायन होता था, कभी रोजी रोटी के लिए, कभी आपदा के चलते, कभी किसी पारिवारिक आपदा के चलते, उसका उन्होंने उसको याद करके उन्होंने यहाँ पे उन घटनाओं को एक तरह से कह सकते हैं कि औपन्यासिक आत्मकथा या संस्मरण के रूप में दर्ज किया है। वे अपने पूज्य पितामह की बात करती हैं, अपने पितामह की बात करती हैं कि वो भगवान दीन दुबे जी 14 वर्ष की छोटी आयु में केवल 10 रुपए लेकर आजीविका की खोज में निकल पड़े थे और बाद में वह करोड़पति बनकर अपने गांव में लौटे। जब वो गांव में लौटे तो समाज सेवा में रत हुए, लेकिन गांव के लोग धनाढ्य पंडित जी को अपने ही गांव में परदेसी कहकर पुकारने लगे, इसीलिए उन्होंने इस कृति का नाम परदेसी रखा है। इसमें उन्होंने पंडित भगवान दीन दुबे के पिता रामसुख दुबे का भी उल्लेख किया है, जिन्होंने 12 वर्ष की किशोरावस्था में अकाल में अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ भुखमरी से त्रस्त होकर घर द्वार छोड़ा था। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि जीवन के हर पड़ाव में सिर्फ स्नेह, साहस, संघर्ष और सदाशयता ही आपके काम आती है। अगर आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते हैं तो जीवन में कभी भी कितने भी विषम परिस्थिति आए, आप हताशा के कुहासे में नहीं डूबेंगे। यह पुस्तक बाकायदा चूंकि औपन्यासिक कृति है, इसलिए इसका मैं आपको पूरा विस्तार से नहीं बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि परदेसी को आप खरीदें, पढ़ें, लेकिन आप यह देखें कि एक लड़का जिसने बचपन में विस्थापन का दौर देखा था, अपने पिता की मृत्यु देखी थी, ऐसे समय में जब उसकी उम्र में कोई समझ नहीं होती है, 12 साल 14 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है, तब उसने अपने साहस से चाय की दुकान पर काम किया, पुस्तकों को पढ़ा, वहाँ बगल में पुस्तक की दुकान थी, रेलवे स्टेशन पर काम किया, गुलामी के उन दिनों में जब अंग्रेज अफसर था, अंग्रेज अफसर से बातचीत कर उसी पढ़ाई के बल पर पुलिस में भर्ती की, बिना किसी औपचारिक शिक्षा हासिल किए वहाँ प्रशिक्षण पाया, किस तरह से फिर उसने जो है अपनी मेहनत के बल से दूसरे संपर्कों से रिश्ते भी बनाए, संबंध बने, शादी हुई, बाल विवाह के बावजूद कलकत्ता और दूसरे महानगरों में रंगून जैसी जगहों पे गया, वहाँ विश्व युद्ध हुआ और उसके जीवन में तमाम निजी घटनाएं, मतलब परिवार में शादी ब्याह गौना घटता रहा, जीवन शैली बदलती रही, व्यवसाय होता रहा, संपन्नता आई और फिर उसने गांव वापसी करके किस तरह से अपने जीवन को, अपने बच्चों की शादी की, ब्याह किया, संपन्नता और समृद्धि सम्मान के बीच रहकर, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जब हुआ तो गांव के उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, किस तरह से गांव में फैक्ट्री लगाई, गांव के विकास का काम किया। इस संस्मरण को पढ़कर, परदेसी को पढ़कर आप बहुत कुछ अपने जीवन में सीख सकते हैं और संघर्षों से सामना कर सकते हैं, अपने जीवन में आई हुई आपदाओं से जूझ सकते हैं। ऐसी कृतियाँ
कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। नीलम मिश्र को इस बात के लिए बधाई दी गई जा सकती है कि उन्होंने भले ही आपदा काल में इस पुस्तक को लिखा, लेकिन इस तरह से उन्होंने अपने पूर्वजों को एक तरह की अमरता दी है। नीलम मिश्र का जो जन्म बताया, जिस परिवार में हुआ, उन्होंने वनस्पति विज्ञान में मास्टर की डिग्री हासिल की, इसके अलावा इतिहास में भी डिग्री हासिल की थी, बीएड किया था, इसके अलावा फिर एक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की थी, अध्यापन किया, शिक्षिका रही, निर्माता रही, फिल्म निर्माता, नुक्कड़ नाटकों में स्क्रिप्टिंग भी की। तमाम तरह से होते हुए भी यह उनकी जो कृति है वह उन्हें अपने सारे कर्मों से अलग रखती है। क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के साथ, उनकी याद के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को एक दिशा देने की कोशिश की है। प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य इसका 300 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 216। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि अलग अलग विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचूँ, ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तक का चुनाव कर सकें। कार्यक्रम को देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।